So welcome back student with new topic related to capacitor, energy stored in charge capacitor. तो आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर में किस तरीके से एनर्जी स्टोर होती है उसको समझेंगे. तो बेसिकली हमने अपने डेली यूजेज में बहुत सारी डिवाइसेस देखी थी जिसमें कि कैपेसिटर का यूज़ होता है और उसके बेसिक प्रिंसिपल से जो कि चार्ज या एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है. तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करता है. तो उसमें किस तरीके से चार्ज स्टोर होता है, क्या उसके पीछे का फिजिक्स है, वो हम समझेंगे. तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर. द वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद उसमें किस तरीके से एनर्जी स्टोर होगी. तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो प्लेट ली है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ये ब्लैक इस मार्कर एक नेगेटिव प्लेट को बता रहा है और ये ब्लू यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है. तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे एक डायग्राम से बताना चाह रहा हूँ. सपोज़ हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट हमारे पास नेगेटिव है. तो पॉजिटिव चार्ज में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होगा. इसको सपोज़ मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. बैटरी मीन्स द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल. यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल 12 वोल्ट का है. 12 वोल्ट के पोटेंशियल से इसे जोड़ दिया तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक चार्ज फ्लो इसमें होगा, चार्ज का फ्लो होगा. तो जब ये बैटरी वर्क करेगी, बैटरी से क्या होगा, वर्क होगा. तो ये वर्क, जितना वर्क ये बैटरी करेगी उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा. और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा और बैटरी का वर्क एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे. ये इसके पीछे का फिजिक्स है. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कैपेसिटर को, जब हम पोटेंशियल देते हैं, पोटेंशियल इसमें हमने ड्रॉ किया 12 वोल्ट के पोटेंशियल से, हमने कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को जोड़ा तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मींस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और यही एनर्जी एक इस कैपेसिटर में स्टोर होगी जिसको कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, जिसे हम यू से डिनोट करेंगे. तो इसके लिए हमें सबसे पहले, अब इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें मालूम होने चाहिए. पहले तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था. और क्यू बाई वी इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज. तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक डेरिवेशन बनाएंगे और डेरिवेशन को सॉल्व करने के बाद हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले अब सपोज जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा, कनेक्ट किया, तो यहाँ पे बहुत छोटा एक स्मॉल वर्क डन हम लेते हैं जिसे कि डी डब्ल्यू से मैं डिनोट कर रहा हूँ. और वी यहाँ पे क्या है, एक वी जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट पोटेंशियल यहाँ पे है. तो इसको इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जो हमारा फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी वी. तो यहाँ से वी हम निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो इसको इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा है. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पोटेंशियल इंटू डी क्यू, और पोटेंशियल को रिप्लेस करेंगे क्यू बाई सी से, तो ये हो जाएगा डी क्यू. अब सपोज इनिशियल पोजिशन पे इस कैपेसिटर इनिशियली इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो सपोज़ ज़ीरो है. ज़ीरो इसका कैपेसिटर का कोई चार्ज है. सी सपोज़ क्या है, कैपेसिटेंस है. और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. तो वी पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू यहाँ पे इस कैपेसिटर में क्या है, एक चार्ज आ गया. क्यू क्या आ गया, चार्ज आ गया. ठीक है, तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम डी डब्ल्यू जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वर्क निकालना है. बहुत छोटा स्मॉल वर्क को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वर्क मिलेगा, वर्क डन मिलेगा. तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी डी क्यू. और इनिशियली चार्ज सपोज ज़ीरो था और फाइनली चार्ज Q
क्यों हो गया इसका, जब हमने इसको चार्ज किया बैटरी से तो ये 1/C कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा Q² / 2 इंटीग्रेट करने पे। और यहाँ पे हमारे पास लिमिट है 0 to Q, क्योंकि लोअर लिमिट 0 इसलिए है क्योंकि इनिशियली एक चार्ज इसका 0 था। तो ये सॉल्व करके आएगा 1/2 Q² / C। तो हमारे पास वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हमने कर लिया है। जो वर्क हमारा आया वो हमारा वर्क आ गया W = ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा Q² / 2C। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया W = Q² / 2C। और यही वर्क एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं U = Q² / 2C। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में। अब हम सपोज हमें मालूम है कि जो Q होता है वो CV होता है, तो अगर मैं Q को यहाँ पे Q = CV बेसिक फॉर्मूला इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा C²V² / 2C। तो C से C कैंसिल हो गया तो ये मिल जाएगा 1/2 CV² एक और फॉर्मूला। इसी तरीके से यहाँ से हमें मालूम है C = Q/V होता है, तो इसी वाले फॉर्मूले में मैं C को रिप्लेस करता हूँ C = Q/V से रिप्लेस करता हूँ तो एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा 1/2 QV। तो ये हमारा तीनों के तीनों जो फॉर्मूले आ रहे हैं ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, जो कि किसी भी कैपेसिटर को जब हम पोटेंशियल देते हैं बैटरी से तो उसमें स्टोर होता है। तो हम इस तरीके से पोटेंशियल देने पे जो किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई उस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला आया 1/2 Q² / C, दूसरा फॉर्मूला आ गया 1/2 CV² और तीसरा फॉर्मूला आ गया 1/2 Q * V। और ये जो एनर्जी है इसकी यूनिट होती है जूल, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हमें जूल में कैलकुलेट करने को मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं, तो देखो किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। वी नो द बेसिक फॉर्मूला U = 1/2 Q² / C, 1/2 CV² एंड 1/2 QV। तो इसको हम एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन हमारे पास है पोटेंशियल, हमारे पास है 1000 बोल्ट का, और कैपेसिटेंस हमारे पास है 50 माइक्रो फेरेड। तो हमें निकालना है U। तो देखो U निकालने के लिए हमें यहाँ पे U = 1/2 CV² और ये सारा का सारा रिजल्ट एक जूल में आएगा, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। देयरफॉर U = 1/2 C फॉर कैपेसिटेंस। माइक्रोफेरेड को पहले हम फेरेड में चेंज करेंगे, क्योंकि माइक्रोफेरेड बहुत स्मॉल यूनिट है। तो 1 microfarad = 10⁻⁶ फेरेड, तो इस रेफरेंस से हम इसको चेंज करेंगे 15 × 10⁻⁶ फेरेड इंटू V² वी मीन्स अब 1000 बोल्ट को हम 10⁻³ बोल्ट लिख सकते हैं। तो 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे और ये हो, तो U = अब इसकी यूनिट जूल बनेगी और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁶ और ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁶ × 10⁻⁶ बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो ये आ जाएगा 0, और कोई भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो 25 इसका जूल में इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा 25